अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये तमाम मालूमात इंटरनेट और मेरी जाती तहकीक और मुताले पर मबनी है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपको मशवरा है, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से पहले अपने तौर पर रिसर्च और मालूमात इकट्ठी कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपकी की गई किसी भी इन्वेस्टमेंट के नफा नुकसान चोरी वगैरह के जिम्मेदार नहीं होंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बनाई जा रही है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी वैसे आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल बेस्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको इंटरफेस यूज़ करना बताया था कि आप क्लासिक इंटरफेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी मार्केट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको उसको प्रॉपरली समझ आ चुका होगा कि आपने इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है क्लासिक को। इसमें अभी एडवांस जो है इंटरफेस भी है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा कि एडवांस इंटरफेस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है अपने बायनेंस एक्सचेंज अकाउंट का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। पहले हमने वीडियो बनाई है कि चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज तो आपको करना आ गया। अगर आप लेट्स सपोज आप भूल जाते हैं पासवर्ड, इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड ऑफ योर बायनेंस अकाउंट, सो हाउ कैन यू रिकवर और रीसेट योर पासवर्ड। दिस इज सो इजी, यू जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर विच इज़ आई एम गोइंग टू शो इन दिस वीडियो। अब इस वीडियो में मैं प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ प्रॉपरली कि आपने उसको कैसे रीसेट करना है। बहुत ईजी है, समटाइम होता है आप भूल जाते हैं, नहीं याद रहता, तो अगर आपने उसको रीसेट या रिकवर करना है तो कैसे रिकवर करना है। तो अब हम सबसे पहले अपनी बायनेंस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आज हम जो है पासवर्ड रॉन्ग इंटर करेंगे। वैसे हम जो है राइट पासवर्ड इंटर करते हैं हमेशा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हाउ कैन यू रिकवर योर पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड। ये वीडियो जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि आपने अपने पासवर्ड को कैसे रिकवर रीसेट करना है अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि अगर आप 4 से ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आपका अकाउंट जो है होल्ड पे चला जाएगा। और सबसे पहले बायनेंस अकाउंट यूज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाना है, उसके बाद आपने अकाउंट को यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप बाद में पासवर्ड लेट्स सपोज चेंज करते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते तो आपका फंड जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। इस चीज़ों का ख़ास ख्याल करना। ईमेल डालते हैं, ईमेल मैंने यहाँ पे डाल दिया, नाम गोइंग टू इंटर माय पासवर्ड, रॉन्गली पासवर्ड है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है और अब मैं इसको जाके लॉग इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिक्योरिटी दे देता हूँ। अब मैंने पासवर्ड इंटर जो है रॉन्ग किया तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है। दी पासवर्ड इज़ दी पासवर्ड योर इंटर इज इनकरेक्ट, यू हैव 4 मोर चांस। आपके पास 4 चांस हैं आप जो है इस पासवर्ड को इंटर करते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट जो होल्ड पे चला जाएगा। अब आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं अपने बायनेंस अकाउंट को, तो उसको रीसेट कैसे करना है या रिकवर कैसे करना है, तो आप इस वीडियो में जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उस प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से आपने फॉलो करना, देन आपका पासवर्ड जो है वो रिकवर या रीस्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड कर देना है। अब पासवर्ड आपने जो इंटर किया वो आपको याद नहीं है, भूल गए हैं या जो भी है आपने लिखा था वो मिसप्लेस हो गया, तो अब आप रीसेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रही है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ये फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन आ रही है, फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पज नो विड्रॉल आर परमिटेड फॉर 24 आवर आफ्टर पासवर्ड चेंज। अगर आप पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं तो आपका जो विड्रॉल है 24 घंटे तक बाउंड हो जाएगा, ये आपने ख्याल करना है। इसीलिए मैंने कहा आपका जो है अकाउंट वेरीफाइड करवाना है। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे तक आपको अमाउंट की जरूरत नहीं है तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, आप भूल गए हैं, फिर तो आपको ज़रूरी है चेंज करना। तो इसलिए लेट्स सपोज हमारे पासवर्ड नहीं है, हमारे पासवर्ड हम भूल गए हैं और हम इसको रीसेट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ये मेरा बाय डिफॉल्ट ईमेल आ गया जिसके ऊपर मेरा ये बायनेंस का अकाउंट जो है रजिस्टर्ड है, तो आपका भी ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ईमेल एड्रेस को रजिस्टर्ड अगर नहीं है आता तो आप यहाँ पे अपना ईमेल लिखते हैं जो जिस पे रजिस्टर्ड होगा बायनेंस का अकाउंट। यहाँ से आपने जाके जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आ जाएगी कि स्लाइड टू सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, नाउ यू कैन स्लाइड टू योर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट द न्यू ऑप्शन ओपन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी योर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन द ईमेल वेरिफिकेशन कोड। अब आपको एक कोड सेंड कर दिया गया जो आपकी ईमेल पे है, वो कोड आपने जो है
वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि हम जो है पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं। तो मैं अपना ईमेल ओपन करता हूँ और मेरा ईमेल जो है ओपन है मेरे पास। मैं इसको यहाँ से रिक्वेस्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें नीचे मेरे पास ये मेरे पास कोड आ गया। ये कोड को कॉपी करना है, यहाँ पे लिखा यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट पासवर्ड लिंक विद योर बाइनेंस अकाउंट, प्लीज नोट आफ्टर अपडेटिंग योर पासवर्ड वी विल डिसेबल विड्रॉल फॉर 24 आवर्स टू कंफर्म योर रिक्वेस्ट, प्लीज यूज द 6 डिजिट कोड बिलो, द वेरिफिकेशन कोड विल बी वैलिड फॉर 30 मिनट। 30 मिनट के लिए आपका कोड जो है वैलिड है, प्लीज डू नॉट शेयर दिस कोड, और कोड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। और अब दूसरी चीज आपको बता दूं, एंटी फिशिंग से रिलेटेड ये देखें, ये मेरी मेल रिसीव हुई है बाइनेंस की तरफ से, क्योंकि मैंने अपना एंटी फिशिंग कोड यहाँ पे डाला था। मतलब मुझे पता चल जाएगा मेरा जो अकाउंट है वो जो मेल आ रही है वो फिशिंग नहीं हो रही, और मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि एंटी फिशिंग मेरे ऑन करने का फायदा ये होगा कि मेरा ये एंटी फिशिंग कोड था जो मैंने इसमें एंटर किया था और उसके जरिए ही मेल आई है। मतलब ये बाइनेंस का ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है जहाँ से आई हैव रिसीव मेल। तो अब जो है मैंने कोड को कॉपी कर लिया, मैं जाऊँगा रीसेट योर पासवर्ड पे और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने जैसे पेस्ट किया तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई, रीसेट योर पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड की ऑप्शन आ गई और कंफर्म पासवर्ड की ऑप्शन आ गई। मतलब यहाँ पे जाके मैं अपना पासवर्ड जो है वो इंटर कर सकता हूँ जो नया वाला रखना चाहता हूँ। मैं नया पासवर्ड यहाँ पे जो रखना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। आपने जो है नया पासवर्ड कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि कल को आपका अकाउंट हैक और जो है वो ना हो सके। स्कैमर के हाथ भी लगता है तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हैक ना हो सके या फिशिंग ना हो सके। पासवर्ड मैंने न्यू पासवर्ड इंटर कर दिया है और आल्सो जो है कन्फर्म पासवर्ड ओपन कर दिया, दोनों पासवर्ड इंटर कर दिया मैंने। खैर अभी जो मेरा मीडियम है सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट फॉर द चेंज माई पासवर्ड और रीसेट माई पासवर्ड फ्रॉम बाइनेंस अकाउंट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन यू कैन सी हियर पासवर्ड चेंज, I have successfully changed my password or recover my password. If you forget your password from your Binance account, so you can easily use these procedures which is I have already give you information in this video. आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई है कि आपने अपना पासवर्ड कैसे चेंज करना है। क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको लॉग इन कर लेते हैं जाके। लॉगिन करेंगे दोबारा अनबॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके मैं अपना पहले ओल्ड वाला पासवर्ड देता हूँ, दोबारा जो मैंने सबसे पहले वाला पासवर्ड था वो देता हूँ और चेक करता हूँ कि वो एक्सेप्ट करता है। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो नाउ आई एम गोइंग टू चेक क्रॉस चेक। तो अब मैंने इसके ऊपर जाके गुड किया तो देखिए मेरे पास ये पासवर्ड है रॉन्ग दे रहा है। अब मैं डालूंगा अपना नया वाला पासवर्ड जो मैंने चेंज किया था, तो मैं नया वाला पासवर्ड इंटर कर दूंगा। ये मैंने नया पासवर्ड इंटर कर दिया और दोबारा सॉरी मैं दोबारा करता हूँ, मुझे लगता है मैंने एक वर्ड जो है वो इंटर नहीं किया तो इसलिए मैं सारे वर्ड इंटर करना चाह रहा हूँ। लॉग इन और यहाँ पे जाके मैंने इसको कर लिया। अब मेरा अकाउंट ये देखें यहाँ पे पूछा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, प्लीज सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन अनेबल, फोन वेरिफिकेशन और गूगल वेरिफिकेशन। तो हम फोन वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, गेट कोड करते हैं, हमारे पास वेरिफिकेशन दोनों थी। अब आपने देखा पासवर्ड चेंज किया है तो आपको चीज़ें फिल करनी पड़ रही हैं। मैं जाके जो अपना मोबाइल पे फोन देखता हूँ मेरे पास कोड आ गया होगा, यस कोड आ गया, मैं उसको इंटर कर रहा हूँ। कोड मैंने इंटर कर दिया, मेरा जब कोड इंटर हो जाएगा तो मेरे सामने मेरा बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन हो गया। ये देखें आई हैव सक्सेसफुली लॉग इन माई बाइनेंस अकाउंट, आई होप यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड हाउ कैन यू रिकवर रीसेट और रीस्टोर योर बाइनेंस वॉलेट पासवर्ड। तो उम्मीद है आपको प्रॉपरली समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि मेरी नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है अपनी कल की एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।